हम इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़े थे कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या था। तो हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में ये जानते थे कि अगर कोई ग्रुप जी है और उससे किसी ग्रुप जी डैश पे ना कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना, तो हम कहते थे कि एफ होमोमॉर्फिज्म होगा इफ इमेज ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन टू एलिमेंट्स इन जी, इमेज ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन टू एलिमेंट्स इन जी इज इक्वल टू ऑपरेशंस बिटवीन टू इमेजेज ऑफ जी, टू इमेजेज ऑफ एलिमेंट ऑफ जी दैट बिलोंग्स टू जी डैस। ठीक है, इमेज ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस, दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। यहां पे अगर कुछ प्रॉपर्टीज और इनबिल्ट हो जाती थी, जैसे अगर ये 1-1 हो जाता था तो हम कहते थे मोनोमॉर्फिज्म, और ऑन टू हो जाता था तो कहते थे ईपीमॉर्फिज्म, और दोनों हो जाता था तो कहते थे आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हमने देखा था कि व्हेन वी कॉल जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश देन दिस इज द देयर इज द टू सिस्टम्स व्हिच आर इवैल्यूएटेड और एक्सप्लेन्ड इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ओके, नाउ इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म then we says that g dash is homomorphic image of g, g dash is homomorphic image of g. Similarly if f is isomorphism then g dash is isomorphic image of g. These are all the things. Now hum aage badhe to humne dekha ki automorphism kya hota hai, to automorphism mein humne dekha tha ki agar hum ek hi group se usi group pe isomorphism le le to use kehte the ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ही ग्रुप से उसी ग्रुप पे आइसोमॉर्फिज्म ले लें तो हम कहते थे वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, और एक ही ग्रुप से उसी ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म ले लें तो हम कहते थे ये इंडोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप ऑनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड इंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप ऑनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव टू प्रोसीड द नेक्स्ट, दैट इज we have to solve some of the problems, selected problems of homomorphism, and next we have to check that these are isomorphic or not. So चलिए पहली सबसे छोटी problem लेके चलते हैं, आज 5-6 problem करेंगे छोटी। ठीक है, देखेंगे कैसे होता है, कैसे हम लोग proceed करते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे हम homomorphism count करते हैं। ठीक, तब हमें चीजें और clear होंगी। यहाँ से आपका main part start होता है एग्जाम में, यहां से सबसे ज्यादा पोर्शन कवर होगा, सबसे ज्यादा पोर्शन ग्रुप थ्योरी का, अगर कोई सबसे ज्यादा पोर्शन कवर होगा तो यहां से कवर होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो आपको बता चुके थे हम, आप इसे दिमाग में रखिए। देखिए यहां क्या कह रहा है कि हमारे पास दो ग्रुप है, ऑब्वियसली इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप बनाता है, ग्रुप तो बनाता ही है, बट वन और माइनस वन इसके जनरेटर्स हैं तो साइक्लिक हो गया। इसी तरह इवन नंबर का सेट है जो, उसका भी दो जनरेटर 2 और -2, उसे सारा इवन नंबर जनरेट हो जाएगा इंक्लूडिंग 0 आइडेंटिटी। सो दो साइक्लिक ग्रुप है, नॉर्मली आप ग्रुप भी लेके चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज साइक्लिक मोर प्रिसाइजली। सो ये दो साइक्लिक ग्रुप हैं, अब चेक करना है एफ होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। दो एलिमेंट उठाते हैं जी1 से, दिस इज जी1 दिस इज जी2, सो फॉर एक्स नाउ वाई बिलोंग्स टू, इसको आप जीवन कर लो क्या सीधे, बार बार इतना ज्यादा नहीं लिखना होगा। ठीक है, इसको आप बोल लो, इसको बोल लो जीवन, ये आपका जीवन हो जाएगा, और ये जो है इसको आप जी टू बोल लो। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हो, कोई उसमें अलग बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमें एक्स और वाई दो एलिमेंट उठाना है कहां से, जीवन से, उसके बाद हमें आगे चलना है किस पे, जी टू पे। ठीक है, चेक करना है कि जीवन और जी टू आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं। चलिए तो पहले ये डिफाइन कैसे है, ये फंक्शन देगा फिर फंक्शन का डिफिनेशन भी देगा। फंक्शन जेड प्लस फ्रॉम ई प्लस सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीवन, to show f is homomorphism, हमें show करना है
ETF क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। कैसे शो करेंगे? दो एलिमेंट लेते हैं x और y, कहां से? g1 से। देखिए f ऑफ x प्लस y, f ऑफ x प्लस y क्या होगा? डिफिनेशन क्या है? x है तो 2x को मैप कर रहा है, x हमेशा 2x को हर इंटीजर गिवन नंबर पे मैप कर रहा है, तो x प्लस y भी कहां मैप करेगा? यहां मैप करेगा 2x प्लस y पे। लेकिन ये होता कितना है? ये 2x प्लस 2y ठीक किसके बराबर हो गया? f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हुआ था। उस दिन हमने जब बात की थी g1 और g2 की, जब बात करी थी ये g1 है ये g2 है, तो हमने कहा था होमोमॉर्फिज्म अगर दिखाना हो फंक्शन के बीच में तो इसमें हम इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन होगा उसकी इमेज लेंगे और यहाँ के ऑपरेशंस बदल जाएंगे, ही बताया था ठीक है। ऑपरेशन इमेज ऑफ ऑपरेशन बिटवीन टू एलिमेंट इन g1 इज इक्वल टू ऑपरेशंस बिटवीन टू इमेजेस इन g2। सारे इवन इंटीजर किसी न किसी इंटीजर से बने होंगे तो सब मैप कर जाएंगे इंटीजर पे तो ऑन टू हो जाएंगे।
और इतना ना डिटेल नहीं जाना है, ऑन टू आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इतना आपको दिखना चाहिए। तो एफ हमारा क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म 1-1 एंड ऑन टू। सो जेड प्लस ये जो ग्रुप हो गया, यहां पे आप पीछे लिख लो, हेंस एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, ये एफ क्या हो गया हमारा, आइसोमॉर्फिज्म हो गया अगले पेज पे। सो जेड प्लस आइसोमॉर्फिक टू, जेड प्लस आइसोमॉर्फिक टू ई प्लस, ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, छोटा मोटा रिजल्ट नहीं, यहां से कुछ कंक्लूजन निकलेगा हमारा, यहां से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। देखिए ये इंटीजर का जो ग्रुप है, इवन इंटीजर के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो गया, और आइसोमॉर्फिक के लिए हमने क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्टली इक्वल, हर उसकी चीज जो है, हर बिहेवियर उसका, हर बिहेवियर सेम हो जाए, मतलब दो ग्रुप्स हैं, दो अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है, सॉरी दो सिस्टम्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए दो अलग लैंग्वेजेस हैं और दोनों सिस्टम आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। या यूं कहें कि एक ही सिस्टम को दो अलग लैंग्वेजेस में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं और इसको इसके लिए इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमने देखा होगा कि अक्सर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जब इवन इंटीजर पढ़ाया जाता था तो सबसे पहले इंटीजर बताया जाता था और कहा जाता था कि जो भी दो के मल्टीपल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर हो जाएंगे। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक, ये रीजन है। अब आपको हर छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई चीजें को भी लग काफी मतलब जो है क्लियर होगा, ठीक है। तो ये रहा, अच्छा आप ये देखो कि यहां पे जो ई है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये क्या है, जेड का, जेड का क्या है, ये सबसेट है, ठीक है, ई जो है जेड का सबसेट है, दैट इज प्रॉपर सबसेट है, आप कह सकते हो पूरा का पूरा ई कंटेंट है उसमें, ठीक है, ठीक है। सबसेट तो तब कहेंगे, सबसेट में जेड भी खुद का सबसेट हो जाता है ना, तो ई तो प्रॉपर सबसेट है इसका, लेकिन ई भी इनफाइनाइट, जेड भी इनफाइनाइट, कार्डिनलिटी इज सेम, ठीक है, कार्डिनलिटी सेम। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है कि सबसेट भी अपने सुपरसेट का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट अ सबसेट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स सुपरसेट। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट, कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया, इट मे पॉसिबल दैट, इट मे पॉसिबल दैट अ सबसेट कैन बी आइसोमॉर्फिक टू इट्स सुपरसेट, आइसोमॉर्फिक टू इट्स सुपरसेट, दिस इज द एक्चुअल डिडक्शन। सो इसको कराने के पीछे का रीजन यही था कि आपको चीजें ऐसे मिल सकती हैं, ठीक है, जैसे अभी ऑड इंटीजर्स ले लिया, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, उस केस में भी 2n प्लस 1 ऑड इंटीजर भी क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक, ये भी तो अगर हम ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, अगर दो ऑड हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा पॉसिबल नहीं कि दो ऑड मिलके ऑड ही बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इवन भी बन सकता है, तो यहाँ आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक। तो चलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि 2n प्लस 1 करेंगे f ऑफ, तो f ऑफ x प्लस y करेंगे, इसको 2n नहीं 2x कर दीजिए, 2x प्लस 1, तो आप जब f ऑफ x प्लस y करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, 2 ऑफ x प्लस y प्लस 1, दिस इज
2x plus 1, ठीक है, अब ये 2x plus 1 और plus 2y, आगे आपको 0 करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा जो भी, ठीक है, ये नहीं मिलेगा, तो ये होमोमॉर्फिज्म ही नहीं हो रहा है, तो 1, 1, 2 पे क्यों जाना, ये तो होमोमॉर्फिक ही नहीं है, ये होमोमॉर्फिक ही नहीं है, ठीक है, तो इस पे नहीं जाना है, तो ऑड के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि ऑड जो है, ऑड वाला जो हमारा सेट है इंटीजर का सबसेट है, वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो ये चीजें रही। अगली प्रॉब्लम आप देखें, सेम चीज हमने यहाँ पे इंटीजर का सेट लिया था और उसका एक सबसेट ले लिया था, कहाँ पे ये इवन नंबर, अब हम चेंज करते हैं, ये सेम रहेगा, यहाँ पे बस एक सेट रहेगा वन और माइनस वन, चलिए देखते हैं, ये हम लोग ये सर अगला प्रॉब्लम इसको जरा फास्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो गया सेट ऑफ इंटीजर, इसको जहां तक हम साइक्लिक फॉर्म में लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए कि ये साइक्लिक है, अब ये हमारा हो गया ऐसे, ठीक, सस्ता कैसे डिफाइन है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन हो रहा है जब एक्स का हो इवन हो और माइनस वन हो रहा है जब एक्स क्या हो ऑड हो, दो कंडीशन, ठीक है, एक्स वन हो रहा है, ठीक है, जब एक्स इवन हो, एफ ऑफ एक्स वन हो रहा है जब एक्स इवन हो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन हो रहा है जब एक्स ऑड, ठीक है, ये चीजें हैं, तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, इसका ही चर्चा करनी है, चेक करते हैं, तो तुरंत हमें दो एलिमेंट लेने हैं, टू चेक वेदर इट इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, ठीक, तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका वापस से x और y लेंगे, तो क्या ले लेंगे आप f of x plus y, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी f of x plus y, हम यही चेक करना है, दो एलिमेंट लेना है, ठीक है, तो अब देखिए अगर x और y दोनों इवन हो गए तो उनका सम क्या आएगा, उनका सम क्या आएगा, इवन आएगा, अगर x और y दोनों इवन हो गए उनका सम क्या आएगा, इवन आएगा, तो पहले केस डिस्कस कर लेते हैं आप, केस वन, केस फर्स्ट, बोथ x एंड y आर इवन, डन, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, तो हमें देखना होगा अगर दोनों f of x और y दोनों इवन हो तो क्या होगा, f of x plus y is even, even ही होगा ना, ये क्या आएगा, वन आएगा, क्यों, अब इसका रीजन तो बताना हमें, एप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा क्योंकि दोनों इवन है तो आपको आपको पता होना चाहिए कि x plus y क्या होगा, इवन होगा, और जो ही इवन नंबर हम इनपुट कर रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इफ x इज इवन y इज इवन देन x plus y इज आल्सो इवन एंड वी इफ वी इनपुट x plus y दैट इज इवन नंबर देन वी गेट रिजल्ट 1, सो इट इज 1, अगर f of x plus y ये 1 हो गया अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आराम से क्या लिख सकते हैं इधर डायरेक्टली, ठीक है, f of x dot f of y, ठीक, आराम से, या इसको आप थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हो, ये 1 into 1 हो गया ना, 1 into 1, 1 को क्या लिखा है, f of x और f of y, ठीक, हो गया, ठीक है, क्योंकि x और y इवन है तो 1 आया है, ठीक है, x plus y बनाया है, तो ये क्या हो गया, डॉट हो गया, एक चीज यहाँ पे छोटी हुई है हम लोगों से, वो ये छोटा हुआ है कि हम लोगों ने
यहाँ पे ऑपरेशन डिस्कस नहीं किया, केवल सेट डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये छूटा हुआ है हम लोगों से, और इसके लिए हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, बल्कि हम इसको फिर से ये लिख दो, जी इज इक्वल टू 1 - 1, और ऑपरेशन रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन का, ये है हमारा ग्रुप। ठीक, ये हमारा ग्रुप है। ये अभी ठीक है मल्टीप्लिकेशन का, तो चलिए 1 आया तो इसको लिख सकते हैं 1 × 1, दिस इज f(x)(y), ऑब्वियसली 1 कब है जब x को इनपुट कर रहे हैं, 1 कब है जब y को भी इनपुट करेंगे, तो 1 ही आएगा क्योंकि दोनों इवन है, तो हम लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो गया, तो दोनों इवन है तो पॉसिबिलिटी केस 2 ना, यहां पे आप केस 2 पे जाइए, केस अगर दोनों ऑड हैं तो आप देखिए दो ऑड नंबर है तो क्या होगा, दो ऑड नंबर है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दो भी किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे हमेशा क्या होगा वो इवन हो जाएगा। क्यों, आप देख सकते हो कि ऑड नंबर इसी फॉर्मेट में होता है ना, 2n+1 फॉर्मेट में। ठीक है, 2 का मल्टीपल प्लस 1 यही होगा, कोई होगा 2n+1 फॉर्मेट में, दो डिफरेंट ऑड नंबर इसी फॉर्मेट के हो सकते हैं, 5 2 × 2+1 7 2 × 3+1 2n+1 2m+1, दोनों ऑड को अगर हम ऐड करेंगे तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2m + n + 2 ये मिलेगा दो ऑड नंबर, और इनको अगर हम पूरा लेके चलेंगे 2 तो देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, मल्टीपल आ गया 2 का, तो दो ऑड नंबर हमेशा इवन देते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी को किसी का हेल्प लेके देख f(x+y) क्या रहेगा, दोनों ऑड है तो ये इवन इनपुट हो गया, इवन रिजल्ट आएगा 1 को ले सकते हैं 1 × 1, और ये हो जाएगा वापस से x × f(y), क्योंकि 1 को f(x) लिखते थे x ऑड था, ठीक 1 को f(y) लिखते थे वही ऑड था, सॉरी क्या था, हाँ ऑड था। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे 1 × 1 नहीं -1 × -1 मतलब ऑड था ना, x ऑड था तो -1 आएगा, y ऑड था तो -1 आएगा, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर गया। अगला, इसे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। चलिए केस थर्ड, तीसरी केस क्या है, x इज इवन y इज ऑड, इवन पे 1 और ऑड पे -1 यही आ रहा था, एक इवन और एक ऑड क्या आएगा, खुद सोचिए f(x+y) क्या होगा, एक इवन और एक ऑड, इवन में जब भी आप ऑड ऐड करेंगे 2n में कभी भी आप 2m+1 या -1 ऐड करेंगे, ये हमेशा ऑड नंबर ही तो बनाएगा, ये इवन एंड प्लस 1 दिस इज ऑलवेज ऑड, सो ये हमेशा क्या बनाएगा, ऑड बनाएगा। तो यहां से f(x+y) इज इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि ये ऑड बनाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर ये -1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × -1 तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, f(x) इवन था तो 1 था, और f(y) -1 था तो ऑड था, तो इन तीनों ही केसेस में क्या है, ये तीनों ही केसेस में हमारा होमोमॉर्फिज्म शो कर रहा है, हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म। ये रहे हमारे कुछ 3-4 क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म के, और
हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए।